यूपी में अपराधी अपराध करने से नहीं चूक रहे तो यूपी पुलिस भी अपराधियों पर लगाम कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। संबल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक महिला को चरस बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला से पकड़ी गई चरस 2 किलोग्राम जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद की है। और आपको बता दें कि सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला महमूद खां सराय में पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला किसी घर में चरस बेचने आई है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुखबिर की बताई सूचना पर पहुंची तो एक महिला बताए घर में चरस के साथ मिली। पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो वो हड़बड़ा गई और भागने की कोशिश करने लगी, मगर पुलिस ने महिला को पकड़ लिया और थाने ले आई। पुलिस ने महिला से 2 किलोग्राम चरस और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद की। वहीं महिला का कहना है कि उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उसका पति अपाहिज है, घर में कोई काम काज करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसीलिए महिलाएं ये काम करती है और अपने घर का पालन पोषण करती है, मगर घर का पालन पोषण करने के लिए गलत रास्ता अपना लेना ये कहाँ तक सही है। वहीं पुलिस इस मामले में किसी गैंग के गिरोह की बात कर रही है जो कि मजबूर महिलाओं से इस तरह के काम कराकर, पुलिस की माने तो पुलिस जल्द इस गैंग का खुलासा करने की बात भी कह रही है। अब देखना होगा कि पुलिस को कब तक सफलता हाथ लगती है। ये वजह काम करने की किसी को बचा नहीं कर रही हो, पति को बचा रही हो क्या? किस वजह से कर रही हो? किस मतलब तो क्या तुम अपने पति को बचा रही हो इसमें? क्या कब से कर रही थी ये काम? अभी 2-3 महीने। नाम क्या आपका? पति का नाम? कहाँ पर रहती हैं आप? वैसे रहने वाली कहाँ की हैं? सर अभी एक महिला को गिरफ्तार किया है, पूरा मामला क्या है? मुखबिर की सूचना पर कोतवाली संबल क्षेत्र से महमूद का सराय से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 2 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। और यह महिला तोल कर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और लगभग 1800 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। और क्या क्या सामान पकड़ा गया है? मोबाइल वगैरह? 2 मोबाइल हैं, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, 2 किलो चरस। इंटरनेशनल मार्केट कितनी है इसकी? लगभग 2 लाख रुपए।